वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं एम्स में जो वैकेंसी आया था आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो उसमें मैंने RTI लगा के पूछा था कि कितने क्या फॉर्म जो है कैटेगरी वाइज जो है आए हैं। तो यहाँ पर जो है फाइनली रिप्लाई आ गया है, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे एम्स ऋषिकेश का जो अभी लेटेस्ट में जो है एग्जाम लगाया है, ठीक है, पिछले महीने शायद 29 तारीख को। तो उस टाइम पे मैंने RTI डाली थी, ठीक है। और ऋषिकेश के साथ में जो है भुवनेश्वर में भी आई थी, उसमें भी मैंने RTI डाली थी, ठीक है। और अभी लेटेस्ट में जो है दिल्ली से जो है कॉमन रिक्वायरमेंट सेल के माध्यम से भी जो है आपके वैकेंसी आई थी, उसमें भी मैंने RTI डाली थी, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल जो है मेरे पास रिप्लाई आया है एम्स ऋषिकेश वाली का। किसका है? ओनली एम्स ऋषिकेश वाली का। आप देख सकते हो RTI सेल एम्स ऋषिकेश, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर रिप्लाई दिया है, ठीक है, प्लीज़ रेफर टू योर RTI एप्लीकेशन रोटेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर भी जो है मैंने मेंशन किया था, तभी जो है इन्होंने प्रॉपर सही जानकारी जो है मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरीज वाइज जो है आप देख सकते हैं कितने क्या फॉर्म डाले हैं, और इसका एक विश्लेषण जो है मैं डिटेल में आपसे करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर इस कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैटेगरी, यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 पे है जो वो जनरल कैटेगरी है, 93 फॉर्म जो है यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड पोस्ट पे आए हैं जनरल के, ठीक है। OBC की जो है वो आए 75, SC की जो है वो आए 60, और ST की जो आए वो आए 14, ठीक है। टोटल जो फॉर्म आए थे वो आए यहाँ पर 242। अब इसमें इतने फॉर्म क्यों आए? इसका रीजन एक ये भी है कि ये जो वैकेंसीज है आपके 2017 में निकली थी। कब निकली थी? 2017 में, लेकिन इन्होंने एग्ज़ाम नहीं करवाया। फिर इन्होंने जो क्या किया, इसी साल जो है नवंबर में फिर से फॉर्म रीओपन कर दिए, ठीक है। अब उस टाइम पे जो बंदे थे उन्होंने भरा हुआ था, ठीक है, उनको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं थी। अगर उनसे दोबारा भरवाते तो शायद वो इस वैकेंसी में फॉर्म भी नहीं भर पाते, क्योंकि वो एवरेज हो चुके थे, ठीक है। यही कारण है कि इसमें जो है इतने सारे फॉर्म आए, क्योंकि लास्ट टाइम के जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था वो भी इसमें हैं, और न्यू एप्लीकेशन जो इन्होंने अभी लेटेस्ट में फॉर्म रीओपन करे तो सभी नए कैंडिडेट को भी मौका दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो उसके बाद जो कोर्स किए हैं तो उन्होंने भी जो है यहाँ पर अप्लाई किया था। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर इतने फॉर्म आए, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर में जो है 62 फॉर्म आए थे, और एम्स, अब बात कर लेते हैं दिल्ली वाले एम्स की। दिल्ली वाले एम्स में जो है आपके कॉमन रिक्वायरमेंट सेल के माध्यम से जो है कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई? जोधपुर एम्स से। कौन से? जोधपुर एम्स से आई है, ठीक है। और जो उसके अलावा जो है भोपाल एम्स से आई, दोनों में जो है 18-18 सीटें। कितनी? 18+18, और एक सीट है वो है पटना से। तो टोटल कितनी हो गई? ये 37 सीट हो गई। अब इसमें जो जितने फॉर्म यहाँ पर आप देख रहे हो ना 242, ठीक है, उसमें इतने फॉर्म नहीं आएंगे, ये मेरा खुद का दावा है। फिर भी मैंने RTI लगाई थी, ठीक है, कन्फर्म उसका जब रिप्लाई आ जाएगा तो वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके अलावा DJSS में भी जो आपके हेल्थ इंस्पेक्टर वैकेंसी आई उसकी भी अपने RTI लगाई हुई, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो उसका भी जैसे ही रिप्लाई आ जाएगा तो जल्द ही जो है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। क्योंकि देखो, हम जब RTI लगाते तो एक महीने का टाइम होता है, उससे पहले रिप्लाई नहीं दे दे तो अच्छी बात है, नहीं देते तो अपने को वेट करना पड़ता है एक महीने तक। तो ठीक है, अगर एक महीने तक ये रिप्लाई नहीं देते तो उसके लिए अपन जो है फिर फर्स्ट अपील कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने भी जो है यहाँ पर साफ साफ मैंसन किया हुआ, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द aforesaid reply, you may appeal for the same to first appeal authority AIIMS Rishikesh, ठीक है। तो अगर ये एक महीने में रिप्लाई नहीं देते तो अपन जो है फर्स्ट अपील के लिए जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।